हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो दीवार पे मधुमक्खियाँ बैठी है उनको फ्रेम वाले बॉक्स में बिठाएंगे और किस ढंग से हम इनको बाहर निकालेंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। ओके थैंक्स। अभी हम यहाँ पे थोड़ी सी सफाई कर रहे हैं ताकि मधुमक्खियों के ब्रूड को कोई नुकसान ना हो, और इसके बाद हम जो आप पे मधुमक्खियों के छाते देख रहे हैं इनको आराम से निकालेंगे और इनको फ्रेमों में फिक्स करेंगे। इस ढंग से आप भी अपने घर में कहीं दीवार पे मधुमक्खियाँ है तो उनको भी आधुनिक वीवॉक्स में बिठा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये जो हमने अंदर से अभी छाते निकाले हुए हैं इनको हम आराम से फ्रेमों में फिक्स करेंगे। फ्रेमों में इस ढंग से फिक्स करेंगे ताकि फ्रेमों के बीच में बिल्कुल आराम से बैठ सके और बराबर दोनों तरफ हो, और इसको हम साइड से काट लेंगे ताकि बराबर आ जाए। और इस ढंग से हम इनको अभी बांध देंगे, साइड से बांध देंगे ताकि हमारे छाते नीचे ना उतरे और साथ में मधुमक्खियाँ डिस्टर्ब ना हो। आज हम इनका कर रहे हैं शहद खाएंगे, शहद भी निकला है किलो किलो। बस यहाँ पर अभी कुछ छत्ते बचे हुए हैं उनको हम आराम से निकाल कर फ्रेमों में फिक्स करेंगे और यहाँ से मधुमक्खियों को आराम से बाहर निकालेंगे। इसको हम अभी फ्रेम में फिक्स करेंगे और जो मक्खियाँ छाते के साथ आई है उसको आराम से, जो दूसरे छाते हमने पेटी पे लगाए हैं उनमें झाड़ देंगे मधुमक्खियों को, और इस छाते को भी हम आराम से फ्रेम में फिक्स कर देंगे। रानी मक्खी क्या किया तुझे लगना है? दस का सब कुछ दिखेगा इधर, इसमें आराम से देखो। मार दो ढक्कन, मार दो ऊपर का बोरी ना। देखो ये अंडे सारे, ये जो दिख रहे छोटे छोटे, ये ब्रूड, ये लार्वा है, ये नया ब्रूड निकला हुआ, ये जो ताजा है ना, ये नहीं उड़ पाएगा, उड़ नहीं रहा है, ये नहीं काटता। देखो सारे मुझे तो नहीं काट के, नहीं ये डन पे भी अपने से भी करना हो तुम्हें तो खुद कर सकते आराम से। ये बिठाने तो बस ये थोड़ी टाइट है ना, अब लगाने रबड़ ये है इधर साइड का। यहाँ भी जो दीवार पे बैठी थी यहाँ से शहद निकालना बहुत ही मुश्किल था, मुश्किल भी था और इनको स्पेस भी नहीं था उतना। अब हमने इनको बी बॉक्स में बिठा रहे हैं तो
वीबॉक्स जो आधुनिक वीबॉक्स है उससे शहद निकालना भी बहुत ही आसान है और शहद की मात्रा भी अधिक निकलती है इन जो आधुनिक वीबॉक्स है। हम आराम से देख सकते हैं अभी शहद हुआ है या नहीं, जो अभी दीवार पे थे तो वहाँ पे हम शहद को निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता था, इसलिए हमने इनको यहाँ से शिफ्ट कर लिया है ताकि यहाँ पर मधुमक्खियाँ आराम से काम कर सके। मधुमक्खी के छातों को फ्रेमों में फिक्स करने के बाद जो मधुमक्खियाँ यहाँ बची हुई है उनको आराम से बी बॉक्स में डालेंगे ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुँचे। इनकी रानी हमने अभी बी बॉक्स में डाल दी है और कुछ ही देर बाद जो बाकी बची हुई मधुमक्खियाँ है वो भी बी बॉक्स में आराम से आ जाएगी। लाइट करो करो एक किस्म लाइट चलो दिन में जट में सॉफ्ट कर दिया। हाँ हाँ मज़े के साथ लगी लगा से मात्र खाना था मुंह होता नहीं पड़ गई शांत दे नहीं पक्का ना ये तो बड़ी शांति ये कोई ठंड ना पर कई साइड होने दे बेटा ना बड़ी भाई बोलना था स्टैंड बुक पे तू वहां पाना थी ना नहीं ना अरे हाय नहीं करती टोला ते बेटा बोल था मतलब पहले टोली लो मंजिल छत पे आ वहीं सो नेक्स्ट ये पहले देखी फिर सरे आता पूरी आई है सीधे एक्सपीरियंस वो बड़े बारी वाली बात ये हमारे बी डिटेक्टर हैं सच्चा पानी
बजे बाट लिया ना कई बार बताया ना शांत करने को बड़े बारी बार पीने रहा है पीने रहा है आऊं भैया का पानी इतना भर दिया ये पार खा जाते हैं ने पानी हम यहाँ पे जो रेस्क्यू कर रहे हैं रेस्क्यू में हमारे मदद इस तरह से हम इधर उधर बैठी हुई मधुमक्खियों को आराम से बिठाकर बी बॉक्स में डाल सकते हैं। चलो निकलो ऊपर चलो इतनी अच्छी जगह है। मधुमक्खियाँ हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है, हमें बचा के रखना बहुत ही जरूरी है। इस तरह से हम सभी एक या दो बॉक्स अपने घर के पास रख सकते हैं। इस तरह हम अपने पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मधुमक्खियों का शहद संसार में एकमात्र ऐसी चीज है जो कभी खराब नहीं होता। मधुमक्खियों के बिना हम फसल चक्कर की कल्पना भी नहीं कर सकते। बॉक्स जो है हमने यहाँ पे लगा दिया मधुमक्खियों का, पहले यहाँ पे थी, अब ये भूल रही है अपने घर का रास्ता। नया रास्ता ये है और पुराना रास्ता इनका ये था, तो अब हमने यहाँ पे जो है मिट्टी से बंद कर दिया इनके जो छेद थे, अब यहाँ से नए रास्ते से जाएंगे। ठीक है जी, बाय बाय। इस प्रकार हमने दीवार वाली मधुमक्खियों को फ्रेम वाले बॉक्स में डाल दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। ओके, थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो।